हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीपीएन प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा परिसर के बाद दरभंगा समाहरणालय परिसर में भी शराब की खाली बोतलें मिलने से इसके ढक्कन खोलने वालों की तलाश में जुटी पुलिस। तत्काल ईवीएम गोदाम की रक्षा करने वाले दो पुलिसकर्मी हुए निलंबित, एसएसपी ने स्वयं की जांच। भाजपा और राजद विधायक के बीच 3 दिन पहले अमर्यादित भाषा का मामला, प्रदर्शन, पुतला दहन, आक्रोश, मुकदमा के रास्ते सुलह दरबार तक पहुंचा और टकराव भाईचारा में बदला। भाई वीरेंद्र ने बढ़ाया भाईचारा का हाथ, सरावगी ने दिया था। और जाम से कराहते शहर को निजात हेतु निगम की आंशिक पहल, कागजी या सही दिखेगा बाद में, लेकिन ट्रेलर घोषणा के साथ अललपट्टी दोना रोड से हटेगा अतिक्रमण। क्या बाकी बचे अतिक्रमणकारियों को मिलेगा प्रमाण पत्र? आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ रीड हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरिया सराय। क्या आप बालों की रूसी और बालों के झड़ने से परेशान हैं? आइवर कंपनी लाए है आपके लिए हेयर कल्प ऑयल, आपके बालों का सच्चा साथी हेयर कल्प ऑयल। हेयर कल्प ऑयल बालों को काला, घना और लंबा बनाने में सहायक और असर कारक आयुर्वेदिक तेल है। आइवर कंपनी का हेयर कल्प ऑयल सभी केमिस्ट काउंटर पर उपलब्ध है। ऑर्डर करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पापा, मम्मी, दीदी, भैया सब लगाएं हेयर कल्प ऑयल। खुल गया, खुल गया, खुल गया मिर्जापुर चौक के निकट रूपम साड़ीज एंड ड्रेसेस के नए प्रतिष्ठान का शुभारंभ हुआ। रूपम साड़ीज ड्रेसेस में एक ही छत के नीचे पाएं 0 साइज से लेकर 18 वर्ष से अधिक लोगों के लिए एक पर एक डिजाइनर ड्रेसेस, जिसमें उपलब्ध हैं औरतों के लिए बनारसी साड़ियां, फैंसी साड़ियां, सिफोन साड़ियां, और जेंट्स के लिए शेरवानी, सूट, कोट पैंट, टी शर्ट, शर्ट और छोटे बच्चों के लिए डिजाइनदार कोट पैंट से लेकर जीन्स टी शर्ट। रूपम साड़ीज ड्रेसेस में ठंड मौसम को देखते हुए एक पर एक डिजाइन के गर्म कपड़े आकर्षक रेंज में उपलब्ध कराए हैं। यहाँ कम दामों में कपड़े डिजाइनदार मिलते हैं। हमारा पता है रूपम साड़ीज एंड ड्रेसेस, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। बिहार विधानसभा परिसर में शराब की खाली बोतलें मिलने के बाद अब दरभंगा समाहरणालय परिसर में भी मिली खाली बोतलें, और उसके बाद पुलिस उसके ढक्कन खोलने वालों की तलाश में है और कैमरे खंगाल रही है कि ढक्कन किसने खोला, बोतल किसने फेंकी। वहीं राजनीति भी इसकी गहराई में ताक झांक कर रही है कि कहीं भले ही शराब की धार निकल गई हो, लेकिन राजनीति की धार बाकी हो। बहरहाल इस शराब की खाली बोतले से दो पुलिसकर्मी तत्काल निलंबित हो गए जो ईवीएम गोदाम की रक्षा कर रहे हैं। बिहार विधानसभा परिसर में शराब की खाली बोतले से मानो हड़कंप मचा। कोई जिन निकाल रहा था, कोई राजनीति की धार तलाश रहा था। और उसके बाद दरभंगा समाहरणालय परिसर में जब खाली बोतलें मिलने की बात आई तो ढक्कन खोलने वाले की तलाश में एसएसपी बाबूराम खुद पहुंचे वहां अपनी टीम के साथ। खंगाला सीसीटीवी कैमरों को और जब कुछ नजर नहीं आया तो तत्काल ईवीएम गोदाम की रक्षा करने वाले दो पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आगे किस पर गाज गिरेगी, कहां यह जांच जाएगी, ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल खाली बोतलें, ढक्कन किसी ने खोला, लेकिन राजनीति की धार की भी तलाश में राजनीतिक जुटे हैं। एक ओर विपक्ष आरोप लगा रहा है तो सत्ता पक्ष इसे बदनाम करने की कार्रवाई बता रहा है। बहरहाल पुलिस के लिए अब चुनौती अपराधियों के साथ साथ
खाली बोतल में ढक्कन खोलने वालों की भी तलाश पूछताछ जारी। मामला इतना गंभीर बना कि स्वयं एसएसपी बाबूराम पहुंचे समाहरणालय परिसर में उक्त झाड़ी में, जहां खाली बोतलें मिली थी। लेकिन अगर हम खाली बोतलें की बात करें तो शहर के हर नालियों में खाली बोतलों की भरमार है, यह बताने के लिए काफी है कि शराब एक जगह नहीं बिकती, सिर्फ समाहरणालय परिसर और विधानसभा परिसर में नहीं, एक जगह हो तो कहे दर्द इधर होता है। सुबह निगम कर्मी जो सफाई करते हैं, अगर उनका डाटा लिया जाए, उनकी स्थिति को कैमरे में कैद किया जाए, तो हर ओर इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है, जो गवाह है इस बात का कि चोरी छिपे शराब की बोतलें खपत हो रही है। कलेक्ट्रेट में ईवीएम भवन है, उसके पीछे में एक काफी झाड़ी वाला एरिया है, बाउंड्री के पास में, वहाँ पे काफी कूड़ा डाला हुआ है, और एक पास में कैंटीन चल रही है जो चुनाव कर्मियों के लिए नाश्ते की व्यवस्था करती है। वहीं झाड़ी में कुछ 4-5 बोतल कल बरामद हुई है, जो देखने में काफ़ी पुरानी लग रही है, तो रैपर भी नहीं है, ये कहना मुश्किल है कि कितनी पुरानी है, लेकिन लग रहा है कि हो सकता है 1-2 साल या 3-4 साल पुरानी हो सकती है। लेकिन वहाँ पे जो कर्मी हैं उनसे भी पूछताछ की गई है, और यहाँ पे जो गार्ड है, हमारा ट्रेजरी गार्ड है, ईवीएम गार्ड है, इन लोगों से भी जानकारी हम लोगों ने ली है। इसमें अभी संतरी ड्यूटी में लापरवाही पाई गई तो 2 सिपाहियों को निलंबित भी किया गया है, और इसमें जो खाली बोतल मिली है इसमें भी FIR करके इसमें हम लोग जांच कर रहे हैं, जल्दी इसमें कार्रवाई होगी। इसके अलावा शहर में जिन जो हम लोगों ने सूची बनाई है होम डिलीवरी करने वालों की, या शराब के धंधे में जो संलिप्त लोग हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी अभी SHO SDPO को हम लोगों ने दिया है, और इस पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी, और किसी कीमत पर शराब बिकने नहीं दी जाएगी। कलेक्ट्रेट परिसर में CCTV फुटेज भी है, तो क्या पुलिस ऐसे फुटेज को भी खंगालेंगे? उससे भी हो सकता है कुछ ना कुछ क्लू मिल जाए, और यहाँ पर किन लोगों को आना जाना है इसको भी हम लोग जांच कराएंगे। देखिए, उसका हम लोगों ने अभी देखा है, सूचना मिली थी, उस सूचना के सत्यापन में हम लोग आए हैं, लोकल थाना प्रभारी लहरिया सराय हैं, SDPO सदर हैं, और हम लोगों ने वो जो अम्बेडकर भवन है और EVM की जो व्यवस्था है उसके पीछे वाले इलाके को देखा है, वहाँ पर कुछ पुरानी बोतलें हैं, अब कितनी पुरानी है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, और हम लोग वहाँ पे जो खाना बनाते थे उनसे पूछताछ की गई है, और यहाँ जो हमारे गार्ड प्रतिनियुक्त हैं EVM सुरक्षा के लिए और कोषागार सुरक्षा के लिए, उनसे ही पूछताछ हुई है, और उसमें जो गतिविधि हुई है CCTV होगा, उन सबको खंगाल के देखा जाएगा कि ये कब फेंका गया है। 3 दिन पहले बिहार विधान परिषद में भाजपा नेता, भाजपा विधायक संजय सरावगी और राजद विधायक भाई वीरेंद्र के बीच अमर्यादित भाषा के मामले ने तूल पकड़ा। तूल इतना पकड़ा कि ये धरना, प्रदर्शन, पुतला दहन, विरोध, माफी, मुकदमे के रास्ते ऊपर चढ़ता गया, लेकिन बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा की उपस्थिति में उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद और प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव की उपस्थिति में दोनों गले मिले, हाथ बढ़ाया, भाई वीरेंद्र ने भाईचारा का और स्वीकार कर लिया नाम मुकुर करने के बाद दरभंगा के शहरी विधायक संजय सरावगी, और लेकिन इस बीच उनके कार्यकर्ता लगातार पुतला दहन, आक्रोश और मुकदमा तक करते रहे, लेकिन नतीजा बहरहाल सुलह अच्छी चीज है, लेकिन साथ ही अपने साथ यह कई अमर्यादित इतिहास को छोड़ गया है, जिसे लोग अरसे याद रखेंगे कि लोकतंत्र में इतना घिनौना और इतना अपशब्द बोला। 3 दिन पहले का यह दृश्य जरा सुन लीजिए। बिहार विधानसभा परिसर में भाजपा विधायक संजय सरावगी और राजद विधायक भाई वीरेंद्र का यह शब्द अपशब्द अमर्यादित भाषा पराकाष्ठा पार करता हुआ। ये घटनाक्रम जो मीडिया कर्मियों के कैमरे में कैद हो गया, उसके बाद बवाल मचा, भूचाल उठा, और भूचाल के बाद धरना, प्रदर्शन, पुतला दहन, मुकदमा तक के बाद समझौते के पटल पर उतरे उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद और प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव उपस्थिति रही, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा की मौजूद रहे, ये दोनों झड़पने वाले, झड़प करने वाले, अमर्यादित शब्द का भाषा जिनके साथ हुआ था
वक्त बदला, समय बदला, 3 दिन के बाद परिस्थितियां बदली, किस तरह देखिए इस तरह। नीचे करना हाथ से, हाथ हाथ मिला लीजिए, हो गया, हो गया, फोटो दीजिए ना, हाथ मिलाइए, आप हाथ मिलाइए ना, बदले बदले सरकार नजर आते हैं विधानसभा परिसर में और विधानसभा हॉल के अंदर बाद नजर आते हैं। बयान बदलता है कुछ घंटों में, नेता का जिस तरह से पाला बदलता है उसी तरह शब्द बदल जाता है। परिस्थिति बहुत कुछ बदल देती है, राजनीति बहुत कुछ पलट देती है। गलमफहमी में किसी तरह की कोई बातें हो गई है, अगर इनको लगता है कि हमसे कोई हुई है तो हम उसको वापस लेते हैं। और दूसरी बात है कि हम कभी लड़ाई करने वाले लोग नहीं हैं, हम हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। कल आप लोगों ने प्रयास किया था, मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। आज संयोग है कि आज अध्यक्ष महोदय, उप मुख्यमंत्री और नेता विरोधी दल माननीय तेजस्वी यादव जी के सामने ये सब बातें हो रही है। हम लोग दो नहीं है, एक है और सदन के सदस्य हैं। हम चाहते हैं सदन की गरिमा हमेशा बनी रहे। नेताओं की और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में हम सभी लोगों ने निर्णय लिया कि बिहार विधानसभा के अंदर हमारे सभी माननीय विधायक, प्रतिपक्ष के हों या सत्ता पक्ष के हों, सब मिलकर पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ सदन में भागीदारी कर रहे हैं, जनता के प्रति अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं। और ये बिहार के लिए एक अच्छी, लोकतंत्र को मजबूत करने वाला संदेश देश को जा रहा है। ये मजबूत करने वाला संदेश है कि सत्ता और विपक्ष साथ है, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव साथ है, साथ है संजय सरावगी और भाई वीरेंद्र। लेकिन ये संदेश क्या देता है, इतिहास के पटल पर तो इसकी चर्चा होगी ही। हरामी कहीं का, राजनीति करवटे लेती है, महीनों में नहीं, दिनों में नहीं, कुछ घंटों में करवट इस तरह लिया। प्रतिपक्ष नेता भी जमा हुए, उप मुख्यमंत्री भी जमा हुए, चलिए इसी बहाने भाजपा और आरजेडी का साथ मिला, एकजुटता दिखी लोकतंत्र की। लेकिन लोकतंत्र की गरिमा गिराने वाले पर क्या कार्रवाई हुई, जवाब की माफी और खेद। बहरहाल जो कार्यकर्ता कहीं आक्रोश, कहीं पुतला दहन और कहीं लहरिया सराय में मुकदमा तक करने के लिए पूरे जोश में थे, उसे सुलह के रास्ते ने ठंडा किया। उप मुख्यमंत्री, प्रतिपक्ष नेता और सभापति, विधानसभा अध्यक्ष की उपस्थिति में गले मिले, हाथ बढ़ाया भाईचारा का। भाई वीरेंद्र ने साथ दिया, नगर विधायक दरभंगा संजय सरावगी ने। सुलह अच्छी बात है, लेकिन इतिहास इस बात को हमेशा याद रखेगा। मीडिया कर्मियों की बदौलत बिहार की जनता ने जाना कि माननीयों का क्या हाल है और किस तरह वह अपशब्द बोलते हैं। भला हो वह कैमरा ऑन रह गया, बात सच्चाई सामने आ गई, जनता सच जान गई। अब भले ही उस पर टाट लगाने की बात हो, लेकिन वह टाट तो दिख ही रहा है। दो रंग दुनिया के, दो रास्ते कुछ घंटों में बदल जाते हैं। विधानसभा परिसर के बाहर कुछ और बातें होती है और अंदर बंद कमरे में आपस में गले मिल जाते हैं। सुबह और शाम जाम ही जाम शहर का है दरभंगा नाम। जी हां, लगातार मैराथन बैठक जिलाधिकारी के यहां से लेकर प्रमंडलीय आयुक्त तक आवाज उठ रही है, विधानसभा तक, लेकिन ढाक के तीन पास लगातार जाम से कराहते शहर में अब धीरे धीरे अतिक्रमण पर हथौड़ा चलेगा। और इसके लिए नगर निगम प्रशासन ने जिलाधिकारी की कड़ाई के बाद, प्रमंडलीय आयुक्त की बैठक के बाद माइकिंग अनाउंस करके कहना शुरू किया कि अतिक्रमण हटाइए अन्यथा कानूनी कार्रवाई होगी। बहरहाल इसकी बांधगी और इसकी खानापूर्ति दोनार से अलपट्टी रोड तक गाज गिरेगी, लेकिन कहां देखें, एक जगह हो तो कहे दर्द इधर होता है। लगातार जाम से कराहते शहर में अतिक्रमण का बाजार पसरा है।
और एक जगह हटता है घंटों बाद दूसरा लग जाता है। अतिक्रमण इतने शोक है कि वे किसी की सुनते नहीं। कई जगह तो अतिक्रमण हटाने के लिए अतिक्रमणकारी से वार्ता करती है प्रशासन। एक सप्ताह पहले जब वह वेंडिंग जोन में हटाने गई थी गया था अतिक्रमण, तो ऐसी परिस्थिति में अतिक्रमणकारियों को आश्वासन मिला था। ऐसी परिस्थिति रही तो अतिक्रमणकारी क्यों न दरभंगा टावर और गहरियासराय टावर के बीच सड़क पर अतिक्रमण कर वार्ता कर समझौता करें। बहरहाल खानापूर्ति एज इट इज व्यवस्था के तहत प्रशासन चल रहा है और जनता पीस रही है, करा रही है। देखना है दोनार से अदलपट्टी तक ये अतिक्रमण हटकर कागजी खानापूर्ति होती है या फिर इसका हथौड़ा आगे भी बढ़ता है। जाम से कराहते दरभंगा शहर को निजात दिलाने की कवायद विधानसभा से लेकर परमंडल और जिला और नगर निगम तक, लेकिन सब कोई गेंद एक दूसरे के पाले में फेंकते हैं। जिम्मेवारी किसकी है, पार्षद की, महापौर की, विधायक की या फिर सरकार की? हाईकोर्ट के आदेश के तहत राजस्व विभाग ने कहा है कि आप जमीन अतिक्रमण भी हटाइए, सरकार की है। यहां तो सड़क पर भी अतिक्रमण है, नालों पर भी अतिक्रमण है। जाम और जलजमाव से कराह रहा है शहर और कागजी खानापूर्ति हो रही है। अब हाईकोर्ट की फटकार 15 में मिली तो आवाज 21 तक सुनाई दे रही है। पदाधिकारी अपना पद सुशोभित कर रहे हैं। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM 3 साल पूरा कर रहे हैं, तो SSP बाबूराम ने भी 3 साल पूरा कर लिया। लेकिन इन 3 साल की उपलब्धि में इनके हाथ क्या लगा, अलग बात है कि कोई कोरोना में इन्होंने काफी काम किया, कहीं जलदूत बने, लेकिन बात जब अतिक्रमण की आएगी, यातायात व्यवस्था की आएगी, तो जिलाधिकारी और SSP के नाम फिसड्डी इतिहास लिखाएगा या भूलने की भी जरूरत नहीं। IAS नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन 1 साल इन्होंने बिता दिया अतिक्रमण के नाम पर। कुछ पैदल चलकर 1 महीना में खूब वाहवाही बटोरी, लेकिन उसके बाद सब ढाक के 3 पात। दरभंगा टावर से लहरियासराय टावर देखिए, अतिक्रमण का बाजार पसरा है, और जल जमाव का इतिहास देखिए तो जल ही मिलेगा, जमाव ही मिलेगा, निदान नहीं मिलेगा। सिकुड़ती नालियां, सिकुड़ती सड़कें और अतिक्रमण पर अब कमिश्नर से लेकर जिलाधिकारी की फटकार, हाईकोर्ट की फटकार की याद के बाद खानापूर्ति होगी। शनिवार को दोनार से ललपट्टी तक ही दायरा रहेगा, लेकिन बाकी को क्या प्रशस्ति पत्र देंगे? जी हाँ, 1 सप्ताह पहले अतिक्रमणकारियों से वार्ता करके उनको जगह देने की बात थी। ऐसा संदेश जाएगा तो कोई दरभंगा टावर और लहरियासराय टावर को अतिक्रमण करके क्यों न वार्ता करके अपना जगह ले ले। अतिक्रमणकारियों पर सख्ती रुख अपनाना है, 1 साल की सजा देनी है और साथ में 20,000 रुपया का जुर्माना भी लगाना है। ये आदेश है ऊपर के पदाधिकारियों का, सरकार का। ऐसे में जाम से कराहते दरभंगा शहर को मुक्ति दिलाने के लिए कड़ा रुख अपनाना होगा, तभी अतिक्रमण का बाजार जो पसरा है वह कम होगा, समाप्त होगा, और आम जनता जो सड़क पर चलती है उसे निजात मिल सकेगी। बहरहाल दोनार से ललपट्टी तक माइकिंग अनाउंस के बाद देखते हैं अतिक्रमण कितना हटता है। ये कागजी खानापूर्ति हाईकोर्ट में जमा करने के लिए, कमिश्नर साहब को संतुष्ट करने के लिए, जिलाधिकारी के आदेश का अनुपालन करने के लिए, या वाकई में जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए, वक्त ही बताएगा। बाकी है भी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। खुल गया, खुल गया, खुल गया।
मिर्जापुर चौक के निकट रूपम साड़ीज एंड ड्रेसेस के नए प्रतिष्ठान का शुभारंभ हुआ। रूपम साड़ीज ड्रेसेस में एक ही छत के नीचे पाए 0 साइज से लेकर 18 वर्ष से अधिक लोगों के लिए एक पर एक डिजाइनर ड्रेसेस, जिसमें उपलब्ध हैं औरतों के लिए बनारसी साड़ियाँ, फैंसी साड़ियाँ, सिफोन साड़ियाँ और जेंट्स के लिए शेरवानी, सूट, कोट पैंट, टी शर्ट, शर्ट और छोटे बच्चों के लिए डिजाइनदार कोट पैंट से लेकर जीन्स टी शर्ट। रूपम साड़ीज ड्रेसेस में ठंड मौसम को देखते हुए एक पर एक डिजाइन की गर्म कपड़े आकर्षक रेंज में उपलब्ध कराए हैं। यहाँ कम दामों में कपड़े डिजाइनदार मिलते हैं। हमारा पता है रूपम साड़ीज एंड ड्रेसेस, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। अगर आप भी हिंदी, मैथिली एवं भोजपुरी गाने के तर्ज पर चुनाव प्रचार बेहतरीन आवाज में बनवाना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें। मात्र 4 घंटे के अंदर चुनाव प्रचार पाएं अपने मोबाइल पर। हमारा पता है राज इलेक्ट्रॉनिक्स, मोहल्ला भगवान दास, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। विधानसभा परिसर के बाद दरभंगा समाहरणालय परिसर में भी शराब की खाली बोतलें मिलने से इसके ढक्कन खोलने वालों की तलाश में जुटी पुलिस। तत्काल ईवीएम गोदाम की रक्षा करने वाले 2 पुलिसकर्मी हुए निलंबित, एसएसपी ने स्वयं की जांच। भाजपा और राजद विधायक के बीच 3 दिन पहले अमर्यादित भाषा का मामला, प्रदर्शन, पुतला दहन, आक्रोश, मुकदमा के रास्ते सुलह दरबार तक पहुंचा और टकराव भाईचारा में बदला। भाई वीरेंद्र ने बढ़ाया भाईचारा का हाथ, सरावगी ने दिया साथ। और जाम से कराहते शहर को निजात हेतु निगम की आंशिक पहल, कागजी या सही दिखेगा बाद में, लेकिन ट्रेलर घोषणा के साथ अललपट्टी दोना रोड से हटेगा अतिक्रमण। क्या बाकी बचे अतिक्रमणकारियों को मिलेगा प्रमाण पत्र? मैथिली अधिकार दिवस के रूप में 19वां अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन होगा। 22 दिसंबर को यह अयोध्या में मनाया जाएगा। साथ ही अगले साल मिथिला विभूति पर्व का 50वां स्वर्ण जयंती वर्ष होगा और इसकी भी घोषणा कर दी गई। 6 से 8 नवम्बर तक दरभंगा राज मैदान में विराट रूप में यह आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव वैद्यनाथ चौधरी बैजू। मैथिली अधिकार दिवस के रूप में 2 दिवसीय 19वीं अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन की शुरुआत 22 दिसंबर को श्री अयोध्या धाम के बड़ा भक्तमाल की छावनी स्थित कौशलेंद्र कथा मंडप में आयोजित होगा। सम्मेलन की शुरुआत 22 दिसंबर के प्रातः बेला में पारंपरिक मैथिली परिधान में भव्य शोभा यात्रा के साथ होगी, जबकि संध्या बेला में मंगलाचरण के साथ उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। मिथिला मैथिली के उत्कर्ष विषयक विचार गोष्ठी, मिथिला रत्न सम्मान समारोह एवं विशाल संत समागम के साथ विद्यापति संगीत मिथिलावासी एवं अवध निवासी दर्शकों के विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगे। एमएलएसएम कॉलेज के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी देते हुए विद्यासेवी संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू ने बताया कि लगातार 2 दिनों तक श्री अयोध्या धाम में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में हजारों की संख्या में मिथिलावासी और प्रवासी मैथिल भाग लेंगे। सम्मेलन में विशेष रूप से संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने के 18 साल बीतने के बाद भी इसे अब तक यथोचित संवैधानिक अधिकार नहीं मिलने के कारणों की पड़ताल किए जाने के साथ ही आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। से ये स्टेट के जते का लोकल विधायक एमपी रहवाक चाहिए और का जते संत छथि, जते महंत छथि, इंक्लूडिंग राम मंदिर के जे छथिन महंत अध्यक्ष गोपाल जी सेहो रहता और सबके ओहिठुना सम्मान कयल जेतन। संगे
हमर अश्विनी चौबे ओहिमे रहता, ओहिमे अहाँके जे कयल गेल हन वहाँ ओहिठुनका मुख्यमंत्री के योगी जी के बहुत सब संत कहलखन जे एहि सम्मेलन में जे किशोरी जी के भूमि सब अयला है, तैं अहूँ हिनका सबके स्वागत करियौन आ अहाँ एहिमे उद्घाटन समारोह। देश में स्कूलों की अग्रणी श्रृंखला में जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल अब दरभंगा में भी कार्य करेगा। अगले सत्र से यह शैक्षणिक कार्य प्रारंभ होगा और नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस संदर्भ में शहर का शाखा कार्यालय का उद्घाटन न्यायाधीश दीपक कुमार और जावेद आलम ने संयुक्त रूप से किया। देश में पब्लिक स्कूलों की श्रृंखला में जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल का एक अलग नाम है और दरभंगा में भी इसकी शुरुआत होगी अप्रैल सत्र से, लेकिन नामांकन प्रारंभ हो गया है और इसके शहरी कार्यालय का विधिवत उद्घाटन न्यायाधीश दीपक कुमार और जावेद आलम ने संयुक्त रूप से किया। चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार की उपस्थिति में लहरियासराय में दरभंगा शाखा की प्राचार्य डॉक्टर रोशनी डिसूजा ने गणमान्य लोगों का स्वागत किया। न्यायमूर्ति दीपक कुमार ने उक्त मौके पर कहा कि मिथिलांचल के लोगों के लिए वाकई सौभाग्यशाली दिन है कि जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल आरंभ हो रहा है। मौके पर चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि मिथिलांचल के लोगों के लिए कम खर्च पर उत्तम शिक्षा का प्रसार करना ही इस संस्था का उद्देश्य है। 17 एकड़ में फैले इस विद्यालय में सभी आधुनिक तकनीकी सुविधा उपलब्ध है। यह विद्यालय जीडी गोयनका पूरे भारत में फैले स्कूल में प्रीमियर स्कूल में से एक होगा। यह नर्सरी से 8वीं कक्षा तक संचालित होगी, जिसका नामांकन 7 दिसंबर से विधिवत होगा। दरभंगा समस्तीपुर मार्ग पर जीडी गोयनका स्कूल की शुरुआत हो रही है और भव्य विद्यालय में बॉटनिकल गार्डन की भी व्यवस्था है। लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है, ऐसा उद्घाटन सत्र जो शाखा कार्यालय था, इस मौके पर वक्ताओं ने ये बातें कही। बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है आज का दिन जो है, क्योंकि एजुकेशन फील्ड में कहीं ना कहीं हम लोग क्योंकि पब्लिक सेक्टर से इस चीज़ को फील करते हैं कि बहुत सारी कमियां हैं अभी यहाँ पे एजुकेशन लाइन में, और कोई भी अच्छा बहुत अच्छा स्कूल्स जो है यहाँ अवेलेबल नहीं है। जहाँ तक जीडी गोयनका की बात है तो ये हम लोग के लिए भी एक सौभाग्य होगा अगर हम लोग का बच्चा यहाँ पढ़ पाए तो। और निश्चित रूप से जैसा कि बताया गया कि बिल्कुल बैगलेस स्कूल है, आज देखिए जहाँ भी जाइए जितने बड़े बच्चे ने उससे ज्यादा बड़ा उसका बक्सा है और बैग्स हैं, वो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो पढ़ाई के नीचे दबे हुए। और जैसा कि यहाँ पे अभी हम देख पा रहे हैं कि 50% जो है फिजिकल एक्टिविटीज है और 50% जो है उसका एजुकेशन है, तो नो डाउट ये आज के दिन अगर ये खुल रहा है और हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात होगी कि हम लोग इसका पार्ट्स बने, और ये हम लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, सौभाग्य था कि इसमें हमारे मनोज बाबू ने आज हम लोगों को मौका दिया यहाँ पे आने के लिए। तो जीडी गोयनका जैसा स्कूल दरभंगा में खोला जा रहा है, इसके जो बहुत ही कम ब्रांचेज हैं बिहार में, और वाकई जिस तरह से हम लोग अभी देखे हैं कि बैगलेस है, ज़्यादा बैग नहीं है, तो जिस तरह से जो छोटे बच्चे होते हैं उनका बैग जो इतना भारी हो जाता है और वो इस मैंने पढ़ाई लिखाई को एकदम बोझ समझने लगते हैं, तो उसे ये मुक्ति दिलाएगा और काफ़ी अच्छा एम्बियंस है और सर्वांगीण विकास के लिए बच्चों के लिए जो कमी महसूस की जा रही थी दरभंगा में, हमको ऐसा लगता है कि वो पूरा होगा। जीडी गोयनका लाने का पर्पस यही है कि यहाँ के सारे बच्चे डिस्ट्रिक्ट के बाहर स्टेट्स के बाहर बाहर जाते हैं, जितने जो बच्चे बाहर पढ़ाने अच्छे पढ़ना चाहते हैं तो बाहर भेजते हैं, बस वही बाहर के स्कूल को बाहर के पैटर्न को हमने यहाँ पर डाल दिया है और ये कम फीस में। जीडी गोयनका कहने के लिए पूरा एसी बस है, ऐसी स्कूल है, लेकिन हम वो फी स्ट्रक्चर सबों के एक मिसकंसेप्शन है कि 10,000-12,000 फीस होंगे, वो फीस हम सब्सक्राइब करके 4,000-5,000 रुपए में हम बच्चे को यहाँ पर एजुकेशन देंगे, एक हाई क्वालिटी का एजुकेशन जो बच्चे दिल्ली मुंबई और कोलकाता में जाके स्टडी करते हैं वो हम दरभंगा में वो स्थापित कर दे रहे हैं कम खर्च में, जो कि जो यहाँ के लोएंट हम फी लेके वो बाहर की पढ़ाई यहाँ पर लोग कराते हैं। बेसिकली हमारा स्कूल दरभंगा के लाने का यही इरादा था, ताकि यहाँ पे लिटरेसी ज़्यादा बढ़े, एजुकेशन हैज़ टू ग्रो मोर हियर। एंड जैसे कि हमारे ऑलरेडी चीफ गेस्ट ने बताया है, रट्टाबाजी सिस्टम हम तो बिल्कुल नहीं करना चाहते, चिल्ड्रन हैव टू लर्न, वो समझना चाहिए कि वो क्या सीख रहे हैं, तो इसलिए हमारा बैगलेस कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, मतलब इतना हम स्कूल गारंटी दे रही है उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए,
क्योंकि हमारा उनको सिखाने का तरीका बहुत ही अलग है। अभी अलग तरीका सिखाने के लिए तो टीचर्स भी वैसे ही चाहिए, तो इसलिए हमारी टीचर्स भी आउटस्टेट की ही है, जो वेल ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स है। तो टीचर्स के साथ टिल दी इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बेंच के तक, वॉशरूम तक, इज सिस्टमैटिकली अरेंज, ताकि हमारे बच्चों को वो एम्बियंस मिले और हमारे बच्चे गांव छोड़ के ना जाएं। तो सिटी ही यहाँ पे आ रही, मेट्रो सिटी ही यहाँ पे आ रही। एंड वी बीइंग द जीडी गोइंकास फैमिली, वी अश्योर कि हमारे जो बिहार के या हमारे जो दरभंगा के बच्चे हैं, 6 महीने में वैसे भी आपको रिजल्ट मिलेगा। हजरत मिर्जा बगदादी रहमतुल्ला अलैह का मजार शरीफ पर सालाना उर्स का आयोजन गुरुवार की रात किया गया मिर्जा खां तालाब के पास। मोहल्ला इस्माइलगंज मिर्जा खां तालाब की जानिब से हजरत मिर्जा बगदादी रहमतुल्ला अलैह के मजार शरीफ पर सालाना वार्षिक उर्स जलसा का आयोजन किया गया इस्माइलगंज लहरिया सराय में। इस वार्षिक उर्स जलसे के मौके पर कई जाने माने मौलाओं और उलमाओं के साथ साथ कई लोग मौजूद थे। عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت یحییٰ سے ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں جا کر کے ٹھہرے ٹھہرنے کے بعد چھوٹی سی بکری حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنا اول کھول پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث پاک ابن ماجہ سے حدیث پاک میں واضح کر رہا ہوں अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर दिव्यांग सेवा संघ मिथिला की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 3 दिसंबर को दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर मिथिला दिव्यांग सेवा संघ लहरिया सराय की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया धरना स्थल लहरिया सराय में। इस दिव्यांग कार्यक्रम के मौके पर जिले के विभिन्न इलाकों से लोग एकत्रित हुए। दिव्यांग सेवा संघ दरभंगा की ओर से अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस का आयोजन किया गया है, जो पूरे विश्व में मनाया जाता है। उसी आयोजन को आज हम लोग भी मना रहे हैं और उस आयोजन के माध्यम से हम लोग सरकार से कुछ डिमांड भी रखना चाह रहे हैं। डिमांड ये रखना चाह रहे हैं कि हम लोग का पेंशन 400 की जगह 3000 होना चाहिए और हम लोगों को नौकरी में जो आरक्षण 3% है उसको बढ़ा के 10% होना चाहिए। आज के दिन ना जाने सरकार की ओर से भी हो और अन्य संस्था की ओर से हो, दिव्यांगजनों के लिए प्रत्येक वर्ष खर्च किया जा रहा है, ना जाने इसके लिए बजट भी कितना का बन रहा होगा। लेकिन ये दिव्यांग दिवस तो मनाया जा रहा है, लेकिन दिव्यांग दिवस आज देखिए कि इतने इतने दूर दराज से ये दिव्यांगजन अपने दिव्यांग दिवस को मनाने के लिए कैसे कैसे किस हाल में यहाँ तक पहुँचे हैं। इनका आशा और विश्वास लेकर के आए हैं कि हम वहाँ जाएंगे तो शायद हमको जीवन यापन के लिए कुछ मिलेगा। शराबबंदी कानून के नाम पर पुलिस द्वारा निर्दोष लोगों को प्रताड़ित करने का आरोप लगा अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संगठन एपवा द्वारा धरना दिया गया समाहरणालय के पास।
अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एपवा की ओर से शराबबंदी कानून के नाम पर निर्देशन और लोगों पर स्थानीय पुलिस द्वारा मानवाधिकार का उल्लंघन करते हुए कार्रवाई हो रही है, उसे रोक लगाने सहित कई मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया गया लहरिया सराय धरना स्थल पर। राज्यव्यापी जो है सो शराबबंदी कानून के लेकर के आज राज्यव्यापी धरना है। हम लोग यहाँ डीएम साहब से मांग करने आए हैं कि बहुत अच्छा बात है कि शराबबंदी कानून लागू हो रहा है बिहार में, हुआ भी है, लेकिन वह कानून जो है सिंगल गरीब के लिए है। जो इसमें माने शराब माफिया है बड़े बड़े, उनको प्रशासन यहाँ से जो है सो पतली गली से निकाल दिए जाते हैं। नहीं तो नेपाल से जो है सो बिहार में दारू आता है, बंगाल से आता है, यूपी से आता है, कैसे आता है? जब तक इसमें प्रशासन मिला हुआ नहीं है, विधायक मिला हुआ नहीं है, तब तक शराब कैसे आता है? अब कोई मजदूर है वो जो है सो एक बोतल पी लेते हैं, उसको बंद कर देते हैं, उससे मनमाना जो है से दंड वसूले जाता है, उसको जेल में रखा जाता है, लेकिन भू माफिया को जो है प्रशासन कानून कुछ नहीं कर रहा है। सरकार से की जा रही है कि आज जो हमारे बिहार में शराब को लेकर जगह जगह पे लोगों की जहरीली शराब पीकर मौत हो रही है और प्रत्येक घरों से महिलाओं को उसको उठाया जा रहा है शादी के मंडप पे से, और पुलिस वहां पे जाके उन लोगों को घर को लूटती है, उसके सामानों को बेरहमी से उसे मारा जा रहा है। इसी मुद्दे को उठाते हुए हम अखिल भारतीय महिला एसोसिएशन एपा की तरफ से तमाम महिला दरभंगा से एकजुट होकर यहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और बात 3 दिसंबर राजेंद्र बाबू की जयंती की सादगी के साथ मनाने की बात, लेकिन कई जगह सूना हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम सेकुलर की ओर से देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 137वीं जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया सर्वे ऑफिस कार्यालय में। उनके तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा के फूल चढ़ाए गए। भारत के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के प्रथम राष्ट्रपति, महामानव, संविधान सभा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की हम 137वीं जयंती और महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस के 113वीं जयंती आज हम लोग यहाँ सर्वे ऑफिस कैंपस में मना रहे हैं। और आज हम लोग चूंकि विश्व विकलांगता दिवस दिव्यांगता दिवस भी है, इस अवसर पर हम लोगों ने आज संकल्प लेने का काम भी किया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रथम राष्ट्रपति और पूरे संसार में शिक्षा के जगत में लोहा मनाने वाले विद्वत पुरुष, उनके बताए हुए सादा जीवन, उच्च विचार, इस नीति को आत्मसात करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। जब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। विधानसभा परिसर के बाद दरभंगा समाहरणालय परिसर में भी शराब की खाली बोतलें मिलने से इसके ढक्कन खोलने वालों की तलाश में जुटी पुलिस। तत्काल ईवीएम गोदाम की रक्षा करने वाले 2 पुलिसकर्मी हुए निलंबित, एसएसपी ने स्वयं की जांच। भाजपा और राजद विधायक के बीच 3 दिन पहले अमर्यादित भाषा का मामला प्रदर्शन, पुतला दहन, आक्रोश, मुकदमा के रास्ते सुलह दरबार तक पहुंचा और टकराव भाईचारा में बदला। भाई वीरेंद्र ने बढ़ाया भाईचारा का हाथ, सरावगी ने दिया साथ। और जाम से कराहते शहर को निजात हेतु निगम की आंशिक पहल, कागजी या सही दिखेगा बाद में, लेकिन ट्रेलर घोषणा के साथ अललपट्टी दोना रोड से हटेगा अतिक्रमण। क्या बाकी बचे अतिक्रमणकारियों को मिलेगा प्रमाण पत्र? इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और अहर्ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।